फतेहाबाद में सड़क हादसा हुआ है। बड़ी खबर, दरियापुर गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। और साथ ही आपको बता दें कि ट्रक और कार में यहां पर टक्कर हुई है और दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कार सवार दो बच्चों सहित चार लोगों की मौत हो गई है हादसे में। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि बेहद दर्दनाक यह हादसा था, चार लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और फतेहाबाद से अग्रोहा जो है उन्हें रेफर कर दिया गया है। घायलों को रेफर कर दिया गया है क्योंकि बेहद गंभीर उनकी हालत बताई जा रही है। सिरसा के जोधका ये सभी जा रहे थे, इस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र मोंगा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कैसे हो गई ये टक्कर और कैसे हो गया दर्दनाक सड़क हादसा? शादी समारोह से परिवार जो लौट रहा था बरेरो में, ये सवार थे एक बरेरो गाड़ी में और कल सुबह का ये जो मामला जो है वो बताया जा रहा है। इसके अंदर चार लोगों की मौत हुई है, दो बच्चे इसके अंदर शामिल है और ये जो बरेरो का ड्राइवर है वो शामिल है। एक डंपर जो खराब हो गया था और सड़क पर ही उसके ड्राइवर ने उसे खड़ा कर दिया, लेकिन पीछे कोई साइन मार्क नहीं दिया, जिसके कारण की अचानक डंपर के जो सामने आ जाने की वजह से बरेरो गाड़ी उससे जा भिड़ी और ये हादसा जो है सामने आया है। जी बिल्कुल। जितेंद्र, घायलों की हालत कैसी है फिलहाल? घायलों की हालत जो गंभीर बनी हुई है, उन्हें अग्रोवा रेफर जो किया गया और अग्रोवा से हिसार रेफर कर दिया गया है। चार जो घायल इसमें बताए जा रहे हैं, उनकी हालत भी काफी गंभीर जो बताई जा रही है। साथ ही जितेंद्र, जो मृतक हैं जो, क्या उनके परिवार वालों को इंतला कर दिया गया है? यहाँ परिवार को सूचना दे दी गई है और पुलिस के द्वारा तुरंत शवों को वहां से उठवा लिया गया था और पोस्टमार्टम रूम में फतेहाबाद में रखा गया है। परिजन हालांकि पहुंचे नहीं है अभी और जो घायल है उनके इलाज को लेकर भी जो पुलिस ने तुरंत जो सहायता इसके अंदर प्रदान की थी। साथ ही जितेंद्र, वजह क्या कुछ बताई जा रही है, गलती किसकी बताई जा रही है, ट्रक वाले ड्राइवर की या फिर कार सवार की ड्राइवर की गलती थी? साफ तौर पर जो डंपर चालक की गलती सामने आ रही है, डंपर उसने सड़क के किनारे जो खड़ा किया लेकिन पीछे कोई साइन मार्क नहीं दिया और देर रात को अचानक डंपर जो सामने जब आया तो गाड़ी जो गिर गई, तो साफ तौर पर इसमें डंपर चालक की गलती है। उसके द्वारा कोई लाइट या साइन मार्क पीछे दिया जाता तो ये हादसा जो नहीं होना था। तो क्या हिरासत में लिया गया है उसे, जो ड्राइवर था डंपर का? नहीं, ड्राइवर फिलहाल अभी तक सामने नहीं आया क्योंकि डंपर ही वहाँ पे अकेला खड़ा था। उसके नंबर के हिसाब से भी पता लगाया जाएगा पुलिस के द्वारा भी इसका मालिक कौन है, उस पर मामला दर्ज में लापरवाही का किया जाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र मोंगा ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो दरियापुर गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जहाँ पर चार लोगों की मौत हो गई है, दो बच्चे भी थे और ट्रक और कार की टक्कर में चार लोगों ने अपनी जान गंवा दी और चार लोग जो है घायल भी बताए जा रहे हैं। और ये अस्पताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, खबरें अभी तक आपको तस्वीरें दिखा रहा है हादसे की, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। और ट्रक और कार में यहाँ पर टक्कर हुई है। आपको बता दें कि फिलहाल गलती जो बताई जा रही है वो ट्रक वाले ड्राइवर की बताई जा रही है। चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं हादसे में और घायल लोगों को जो है रेफर कर दिया गया है और अस्पताल में फिलहाल वो भर्ती हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, ये दर्दनाक सड़क हादसा जो है ट्रक चालक की गलती की वजह से हुआ है।